गुड मॉर्निंग क्लास, 11th क्लास सोशियोलॉजी के अंतर्गत जो है पाठ का नाम है ग्रामीण तथा नगरीय समाज में परिवर्तन एवं सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक व्यवस्था। इसके अंतर्गत बेटा हमने जो है पहले पढ़ा है विघटन, जैसे सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार होते हैं, क्या आवश्यक है उनके लिए, कौन कौन सी दशाएँ उनकी होती हैं। आज हम बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन होता क्या है। कहने का मतलब है सामाजिक परिवर्तन जो है, देखो बेटा परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम होता है। और अगर हम पिछले इतिहास को देखें कि जब से जो है समाज की शुरुआत हुई है, तब से समाज के रीति रिवाज, परंपराएं और रहन सहन की विधियां, और चाहे जो भी हो पारिवारिक स्थिति चाहे वैवाहिक स्थिति है, उसमें निरंतर परिवर्तन आया है। इस परिवर्तन के कारण ही वैदिक काल के समाज और वर्तमान के समाज में जो है बहुत अंतर पाया जा रहा है। कैसे कि भाई सामाजिक परिवर्तन प्रकृति का नियम है परिवर्तन, लेकिन अब देखते हैं हम आज प्राचीन समय के रीति रिवाज और आज के रीति रिवाजों में क्या है, जमीन आसमान का अंतर पाया जाता है। ठीक है बेटा, लेकिन बात ध्यान रखने की है कि प्रत्येक समाज में परिवर्तन नहीं होता, बल्कि केवल सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं तथा आपसी संबंधों पर में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक श्रेणी के परिवर्तन में आता है। ठीक है बेटा, अर्थात सामाजिक परिवर्तन केवल वे परिवर्तन ही समझे जाते हैं जो सामाजिक ढांचे और कार्यों में घटित होते हैं। यानी कि समाज के ढांचे में और उसके कार्यों में जो परिवर्तन होते हैं वही सामाजिक परिवर्तन कहे जा सकते हैं। अब सामाजिक परिवर्तन का जो विशेषताएं क्या है बेटा, सबसे पहली क्या बात है कि ये बहुत धीमी गति से होता है। किसी भी समाज में जो परिवर्तन होता है वो होता है बहुत ही धीमी गति से होता है। सामाजिक परिवर्तन हमारे भौतिक जीवन को जो है तीव्र गति से प्रभावित करता है। आप देखते हैं भोजन आज दिखाई देता है, आज हमारे पहनावे में और हमारे खान पान में जो है कितना अंतर आ चुका है। आज हम क्या है, आकर्षण और भोग विलास की वस्तुओं से शीघ्र ही प्रभावित हो जाते हैं। आज हम साधारण जीवन नहीं जी पा रहे, हम लोग आज क्या है चकाचौंध से जो है ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन क्या है, इससे क्या हो गया, हमारे जो है खान पान और पहनावे में अंतर आ गया है। ठीक है बेटा, इसका सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव जो है हमारी सांस्कृतिक भावनाओं पर धीमी गति से पड़ता है। जो हमारी परंपराएं हैं उनको एकदम से नहीं बदल सकता है, परंपराएं हैं फिर भी हम उन्हें निभाते तो है, भूले नहीं है ना। इतना परिवर्तन हुआ है समाज में, हर चीज बदल गई है, रहन सहन आने जाने के साधन सब कुछ बदल चुका है, लेकिन हमारी जो रीति रिवाज और परंपराएं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे साथ विद्यमान है। यानी कि उनमें जो है परिवर्तन अधिक तीव्र गति से नहीं होता है, मतलब जल्दी से उनमें प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है, हाँ जो परिवर्तन हमारे सामान्य जीवन को प्रभावित करता है उसकी गति अधिक तीव्र होती है। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन के संबंध में कोई भविष्यवाणी नहीं कही जा सकती है कि बहुत ही कठिन है ये कहना कि किस प्रकार किस समाज में जो है कब और कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, और फिर कौन से कारणों द्वारा जो है किस कितना परिवर्तन किस समाज में होगा, ऐसे हम किसी समाज में होने वाले परिवर्तनों के संबंध में कल्पना मात्र कर सकते हैं, यह नहीं कह सकते कि समाज पर औद्योगिकरण और नगरीकरण आदि का जो है किस सीमा तक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है बेटा, फिर सर्वव्यापकता है, सर्वव्यापक में सामाजिक परिवर्तन जो है अभी तक सभी समय हर कालखंड में और विश्व के सभी समाजों में लगभग होता है। कहने का मतलब है कि इतिहास का कोई ऐसा युग नहीं है जिसने मानव समाज को कोई नई विचारधारा प्रदान न की, यानी प्रत्येक समय समय बाद जो है नए नए विचारों का समावेश हमारी सामाजिक परिवर्तन समाज में जो है होता रहता है। ठीक है बेटा, फिर है सापेक्ष गति। सामाजिक परिवर्तन की गति को हम एक समाज में होने वाले परिवर्तनों को दूसरे समाजों में होने वाले परिवर्तनों में की तुलना में, मतलब उनसे उनकी तुलना करके निश्चित कर सकते हैं। एक सी परिस्थितियां उपस्थित होने पर भी सामाजिक परिवर्तन की गति अलग अलग समाजों में अलग अलग होती है। ठीक है, क्योंकि सभी समाज परिवर्तन की दशाओं में समान रूप से प्रभावित नहीं होते। ठीक है बेटा, अब है अनिवार्यता। ये जो सामाजिक परिवर्तन है ये जो है एक अनिवार्य घटना है
जो प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में होती है। क्यों? क्योंकि सभी व्यक्तियों के विचार और उद्देश्य एक समान नहीं होते हैं। सभी व्यक्ति अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं और आपस में जो है अन्य व्यक्तियों के संपर्क में भी आते हैं। तो अब जब आपस में संपर्क में आते हैं तो उनमें विचार विमर्श होता है। विचार विमर्श के कारण जो है वे नए विचारों को जन्म देते हैं। ठीक है बेटा, तो सामाजिक परिवर्तन की यह प्रक्रिया प्रत्येक समाज में जो है अनिवार्य रूप से अवश्य पाई जाती है। ठीक, अब बात आती है सामाजिक परिवर्तन के स्रोत कि मतलब किन चीजों से जो है सामाजिक परिवर्तन होता है। सबसे पहले है मानसिक विकास। जब जनता का मानसिक विकास हो जाता है, शिक्षण संस्थाओं का प्रचार प्रसार होने लगता है, उस स्थान पे जो है क्या होता है कि विचारों में भी जो है विभिन्नता देखने को मिलती है। यानी कि वहां पे लोगों को अपने विचार व्यक्त करते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए जो है समाज में नए विचारों का संचार करते हैं, तो जिसका परिणाम स्वरूप क्या होता है, पढ़ाई लिखाई से जो जब व्यक्ति का मानसिक विकास हो जाता है तो प्राचीन रीति रिवाजों में परिवर्तन की संभावना बढ़ जाती है। माना कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं रूढ़िवादी होते हैं, बहुत सारे कि नहीं प्राचीन परंपराओं को माने उन्हें भी चलना है चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अब जब व्यक्ति का मानसिक विकास हो जाता है तो वो ये लगता है उसको कि यार ऐसी परंपराओं खोखली परंपराओं के पीछे भाग के कोई फायदा नहीं है, मुझे वो करना है कि जो मेरे लिए आवश्यक है। यानी कि जब व्यक्ति का मानसिक विकास हो जाता है तो उसके अपने विचारों से भी जो है वो समाज को प्रभावित करने की कुव्वत रखता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ठीक है ना, अब माना पुरानी विचारधारा है बिल्ली ने रास्ता काट दिया जी, अब तो काम होगा नहीं। हो सकता है कि उसके विचार है कि उस दिन नौकरी की ज्वाइन नहीं हो, उसके रास्ता बिल्ली ने काट दिया, वो जाएगा ही नहीं क्या? तो व्यक्ति ये सोचेगा बिल्ली तो रोज ही जाती है, मैंने तो जाना ही है। जाते हुए किसी ने छींक दिया, छींक दिया भाई, छींकना तो ये जाहिर सी बात है, प्रक्रिया है भाई, कभी नाक के अंदर कुछ चला गया तो व्यक्ति छींकता है। अब बोल दे तो छींक दिया मत जाना, क्यों जाना, उसमें तो बस थी वो छूट जाएगी, जरूरी नहीं है ना। तो व्यक्ति अब इन विचारों को छोड़ देता है जब उसका मानसिक विकास होता है। ठीक, रूढ़िवादी होगा कहीं नहीं जाना है, छींक दिया कहीं घटना ना हो जाए, बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो काम नहीं होगा। तो ये चीजें व्यक्ति तब सोचता है जब वो रूढ़िवादी होता है। हाँ, जब उसका मानसिक विकास हो जाता है तो क्या होता है, वो करता है जो उसके लिए फायदेमंद होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, प्राचीन रीति रिवाज में जो है परिवर्तन की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है बेटा, दूसरा पारिवारिक पर्यावरण, परिवार का माहौल होता है, क्योंकि परिवार जो है सामाजिक सामाजिक जीवन की जो है प्रथम पाठशाला होती है। यदि परिवार शिक्षित होता है तो उसमें संकीर्ण विचारों के लिए कोई भी स्थान नहीं रहता, और जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं वो अपनी पुरानी परंपराओं में जो है समय के अनुसार परिवर्तन करते रहते हैं। इसलिए जो है जिस समाज में जो है पढ़े लिखे लोग होते हैं, शिक्षित परिवार होते हैं, उस समाज में जो है परिवर्तन तीव्र गति से होता है। ठीक है बेटा, फिर है प्रचार प्रसार के साधन। आज वैज्ञानिक आविष्कार है, जिन समाजों में जो है समाचार पत्र, रेडियो, यातायात के साधन, संचार के साधनों की अधिकता होती है, वह समाज जो है परिवर्तन का उतना ही जल्दी स्वागत करता है, क्योंकि वो नई नई चीजों से इनके माध्यम से परिचित होता रहता है। ठीक है, फिर है समाज सुधारक। बहुत सारे समाज सुधारक भी हैं जो जिन्होंने जो है हमारे समाज में जो बुराइयां हैं, प्रत्येक युग में प्रत्येक दशकों में कोई ना कोई व्यक्ति हुआ है जिन्होंने हमारे समाज में जो व्याप्त तो बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए जो है प्रयास किए हैं। जैसे हमारे राजा राम मोहन राय जी का नाम है, जिन्होंने सती प्रथा का अंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बाल विवाह, कई सारे जैसे थियोसोफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे समाज सुधार आंदोलन भी हुए, समाज सुधारक भी हुए हैं जिन्होंने लोगों को जो है उनको वास्तविक जीवन से अवगत कराने की कोशिश की है। ठीक है, फिर भ्रमण की स्वतंत्रता। भ्रमण मीन्स यहाँ तक जब व्यक्ति को आने जाने की स्वतंत्रता होती है तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जाता है, वहाँ के रीति रिवाजों परंपराओं को देखता है, तो उस आधार पर जो है अपने जीवन में भी परिवर्तन करने की सोचता है। ठीक है बेटा, फिर है परिवर्तन साधनों की प्रचुरता। जहाँ पे जो है संसाधन प्रचुर मात्रा में होते हैं, जिस देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, जहाँ पे जो है खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं, उस देश का औद्योगिक विकास होता है, और औद्योगिक विकास हो जाने के कारण क्या होता है, जाति पाति के जो बंधन होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं। तो स्पष्ट ये हो जाता है बेटा कि सामाजिक परिवर्तन तथा सांस्कृतिक परिवर्तन तो भिन्न भिन्न लेकिन एक संबंधित अवधारणा है, मतलब
अर्थात एक दूसरे से संबंध रखती है। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन जो है वो सांस्कृतिक परिवर्तन का ही एक भाग है, इनको हम एक सिक्के के दो पहलू भी कह सकते हैं। ठीक है, आज के लिए।